एरिया 51, इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की ये जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास, जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पर यूएफओज देखी हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी ये एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इलोन मस्क को मार्स से बहुत प्यार है, वो मार्स पे इंसानों की सेल्फ सस्टेनेबल बस्ती बसाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि मार्स ही क्यों, क्या किसी और प्लेनेट पे ये पॉसिबल नहीं है? तो इस पे इलोन मस्क ये कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम पे हमारे पास ऑप्शंस ही क्या हैं। मरकरी सन के बहुत पास है, जिस पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जो हम सहन नहीं कर सकते। वीनस जिस पे एसिड की बारिश होती है। जुपिटर एंड सैटर्न जो कि गैसेस प्लेनेट है, अगर खड़े होंगे तो जमीन ही धस जाएगी। हाँ, सैटर्न के मून टाइटन पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। अर्थ का मून, इस पे वायुमंडल ही नहीं है। तो ले देके हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन मार्स ही है। गाइस, इसीलिए एलोन मस्क मार्स पे इंसानों की बस्ती बसाना चाहते हैं। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। कभी कभार छोटी सी चीज को लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए, और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए, और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस, एक बार आजमा के देखिए, ये मेरा ट्रिक है। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आपके चेहरे की स्माइल आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके दांतों का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। जब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देखा तो आपकी नजर सबसे पहले किस चीज पर गई? ऑब्वियसली इस बीच वाले आदमी की स्माइल पर गई होगी, क्योंकि उसका एक दांत नहीं है। पर क्या आपने गौर किया कि इसी आदमी की एक आईब्रो भी नहीं है? गाइस, आपने आईब्रो पर गौर तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी की नजर आपकी स्माइल पर पड़ती है, इसीलिए अपने दांतों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि यही आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बड़े सपने अमीरी के मोहताज नहीं होते, अगर आप शिद्दत से चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी है मुंबई के समंदर किनारे बांद्रा के स्लम में रहने वाली मलीशा खारमा की। मलीशा सुपर मॉडल बनना चाहती हैं। स्लम में रहने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। मलीशा के सपनों को पहली उड़ान तब मिली जब हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई घूमने आए रॉबर्ट हॉफमैन इस बच्ची से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अपने साथ कुछ वीडियो शूट की और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड की, और फिर इस बच्ची को प्रिंसेस ऑफ स्लम नाम भी दिया। और आज इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और तो और एक फैशन मैगजीन ने मलीशा को उसके कवर पेज पर जगह भी दी। गाइस, वो उसके लिए सबसे सुनहरा दिन था। इसी कहते हैं कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो राहें मिली जाती। आज हम इंसानों की खुदगर्जी और भूख की वजह से इस धरती से एक और जानवर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इस जानवर का नाम है पेंगोलिन। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा की जा रही है। इंसान इसे दवा बनाने और अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। जिम्बाब्वे के फैलिट नकाटा इन जानवरों को बचाने के लिए कब से लड़ रहे हैं, वो इन्हें बच्चों की तरह पाल रहे हैं, इसी वजह से उन्हें पेंगोलिन मैन के नाम से पुकारा जाता है। गाइस, आज हमें इन बेजुबान जानवरों के लिए आवाज उठानी होगी, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए चैट में प्लीज लिखिए सेव पेंगोलिन सेव अर्थ। थैंक यू सो मच।